तो लड़कों ने जैसे सुना सो लड़के और खुश, हाँ तो ठीक तो है बढ़िया, तो जे बूढ़े बाड़े उन्होंने कहा करिए जाएगा है जे तो यहाँ बैठ के माला जाप करे बस राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हम लोग विवाह कर लाएंगे कहा दिक्कत है, जे करेंगे भी कहा जाएगा। हाँ ये माला का सम्मान यशपाल भैया हमारे जो हैं और 501 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, सदा आगे बढ़े भगवान से कामना है। और ये 1100 रुपए का सम्मान जो है श्री भारत प्रधान शेखुपुरा से, अच्छा जैतुपुरा दूर बैठे हो समझ लो कान बोध जाता, तो जैतुपुरा से भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं। आप लोगों को भगवान खूब आशीर्वाद दें और सदा आपका कल्याण करें, मैं भगवान से ये कामना करेंगे। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे सज्जनों अब लड़के के पिता ने ये शर्त रखी कि कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, ध्यान देंगे थोड़ी देर, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब बूढ़े बाड़े में को तो लड़कन ने लियो ना बारात लेके चले, और जैसे ही गांव में पहुंचे तो लड़की के पिता ने संवाददाता को भेजा और उससे कहा जाओ देख के आओ बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। लड़के गए देखा जाकर कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, संवाददाता ने खबर दी महाराज कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। अच्छा तो अब बारात वालों से जाकर के एक बात कहो, क्या हमारी यह शर्त है कि हमारे गांव के बाहर जो नदी बह रही है उस नदी में पानी की जगह ये दूध बहाए तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। अब लड़कन को जैसे ही खबर मिली, लोग कहते ना साठ गांठ को बनेरा बहुत जरूरी होती है, हाँ तो जैसे ही खबर मिली नहीं नहीं लड़का दिमाग ही नहीं लगा पाए, सो कान लगे भैया अच्छा जब बारात चली ना तो लड़के के नाना जो था हाँ, और तो सब बुड्ढे रोक दिए, एक भी बुड्ढे साथ में नहीं गए, पर नाना ने कही नाना मैं नहीं मानने वाला मैं तो चलूंगा। अरे तुम कहाँ जाओगे माँ मना कर रखी, तुम जाओगे तो शादी नहीं होगी कोई बूढ़ा गया तो नाना ने कही कहूँ ऐसी जगह छिपा लो तो तुम्हारी फदियत न हो पर हम चले जरूर, जब बीच में तार कट जा तो माला आता सही पूछी जा। जय हो जय माई हमारी सम्मान कर रही है 501 रुपए से, तो सदा सदा सुखमय जीवन रहे भगवान से मेरी कामना है, बहुत बहुत आपको बधाई। बोल गोविंद भगवान की। और 501 रुपए रूबी बहन को भी सम्मान कर रही है, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बोल साईं नर्मदेश्वर भगवान की। तो लड़के के नाना को लेकर यानी लड़कों ने क्या किया कि कहीं बुड्ढे को कोई देख लिया तो बारात वापस आ जाएगी शादी नहीं होगी, तो उन्हें एक संदूक में बंद कर लिया और चुपचाप बारात लेके पहुंचे। और जैसे ही लड़के के पिता ने कहा कि जो नदी बह रही है उसमें दूध यानी पानी की जगह दूध बहाओ तो हम शर्त मंजूर करेंगे और शादी करेंगे, सो लड़कों ने कहा हो भगवान पानी तो बहुत बड़ी बात है, जहाँ दूध मांगो जाए दूध कैसे बहाएंगे। सो लड़कों ने कहा भैया बोले हाँ इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता ये काम, एक काम करो बारात ले चलो वापस। तो एक ने कही अब बारात तो वापस जा ही रही शादी तो होने ही ना, तो नाना को काय को बंद करें उन्हें तो निकाल ले। सो नाना को निकाल के बाहर करो, बोले नाना हाँ हमने सोचा बारात तो वापस जा ही रही शादी तो होनी नहीं है तो अब तुम्हें काय को बंद रखे चलो वापस चल रहे घर। नाना बोले क्यों, अरे बोले लड़की के पिता की शर्त है क्या, वो कह रहे हैं कि गांव में जो नदी बह रही है उसमें पानी की जगह दूध बहा। नाना ने कही तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी छोटी छोटी बातों पे कहीं बारात लौट के जाती है। लड़कों ने कहा नाना कैसी बात कर रहे हो, ये छोटी बात है नदी में पानी की जगह दूध बहाना ये छोटी बात है क्या। नाना बोले हाँ हाँ तुम तो एक काम करो क्या, उन्होंने खबर भेजी ना, बोले हाँ तो तुम भी एक खबर भेज दो क्या, बोले पहले नदी को खाली तुम करवाओ दूध हम बहाएंगे। तो संवाददाता ने जाके खबर दी कि बारात की खबर है कि तुम पहले नदी को खाली कराओ और दूध हम बहाएंगे गारंटी है। तो लड़की के पिता ने कही जरा देख के आओ सही से कोई बूढ़ा तो नहीं आया, कोई साठ गांठ को तो नहीं आया। तो देखा जाए कि नाना
तो कहने का मतलब ये है कि बुजुर्गों का अनुभव विवेक बहुत होता है, इसलिए जो आजकल नई पीढ़ी है ना, ये अपने सामने मानते नहीं है।